हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो पे। तो ये स्क्रीन पर बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और जैसा कि लोगों का कंप्लेन था कि उनकी जो है वेबसाइट चल नहीं रही है और फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है आपकी डेट को लेकर कि आपकी डेट बढ़ाई जा चुकी है या फिर नहीं, या आइए आज के इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो अगर वाकई में आप बिहार का फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट है और यहाँ पर जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ थोड़ा सा वेबसाइट कभी कभी प्रॉब्लम दे रही, बट जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं और आपका यहाँ पर देखिए वेबसाइट इस समय बहुत ही तेज़ी से ओपन हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और अब आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। रही बात डेट बढ़ाने की या फिर डेट कम करने की, तो अभी इस मामले को लेकर यहाँ पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। आपका डेट वही जो है 12 जुलाई को ही है और फॉर्म हालांकि इस समय काफ़ी तेज़ी से फिल हो रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेबसाइट काफ़ी ठीक ठाक कर दी गई है, अपडेट कर दिया गया है, यानी कि अभी आपके पास संभवतः 2 दिन है और 2 दिन में आप दो क्या बल्कि आपके पास अभी आज 9 तारीख है समथिंग, जो भी हो, बट वीडियो हो सकता है आप 1-2 दिन बाद देखें, तो जो भी 9-10 हो जिस दिन भी आप देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब आपका फॉर्म 15 से 20 मिनट में फिल हो जाएगा। तो वेबसाइट पूर्णतः सही कर दी गई है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से अपडेट कर दिया गया है और आप फटाफट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात डेट की, तो डेट अभी आपका वही है, आपको बिल्कुल ये गलत अपडेट नहीं दूंगा कि डेट बढ़ाई जा चुकी है, बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि क्योंकि फॉर्म अभी 2 लाख लगभग ही अप्लाई हुए हैं तो हो सकता है कि डेट को बढ़ाया जा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।